प्रदेश की सियासत में एक वायरल चिट्ठी की वजह से सियासी घमासान तेज है और ये चिट्ठी ठेकेदारों की तरफ से हाईकोर्ट को लिखी गई है, जिसमें दावा किया गया कि राज्य में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिवराज सरकार पलटवार कर रही है कि चिट्ठी फेक है। इस मामले में प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर मामला भी दर्ज करा लिया गया है। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो, कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। एमपी के चुनावी माहौल में एक वायरल चिट्ठी पर लड़ाई है। कमीशन खोरी के आरोपों वाली ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर ऐसी छाई है कि इस बहाने बीजेपी कांग्रेस के बीच हमलों का जो दौर शुरू हुआ वो देखते देखते एफआईआर वाले एक्शन तक पहुंच गया। आपने जनता को 8.5 करोड़ जनता को बदनाम किया देश के अंदर, और इसलिए फेक पत्र के आधार पर ये किया। आपने कॉन्स्पिरेसी की, हमने साइबर क्राइम में भी किए, हमने क्रिमिनल ऑफेंस भी किया है, और अभी 4 जगह पर प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है। मध्य प्रदेश का भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर इस झूठ की हांडी को फोड़ देगा। चिट्ठी वायरल कराई, फेक चिट्ठी बना करके, न बाप ने ट्वीट किया न बेटे ने ट्वीट किया, कमलनाथ और अरुण यादव और प्रियंका गांधी से ट्वीट करा दिया। यानी चिट्ठी को ट्वीट करने को लेकर प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर 4 जगहों पर एफआईआर दर्ज कराकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए कड़े पलटवार का फैसला किया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बहुत डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में से पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नकली पत्र बनाकर और मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का यह असफल प्रयत्न है, और निश्चित रूप से पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है और पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं 50% कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और एफआईआर कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो एमपी के ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से लिखी बताई जा रही है। कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक कर सरकार की घेराबंदी शुरू की, और प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद ये लड़ाई और तेज हो गई। प्रियंका ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया, अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद मुद्दे ने तूल पकड़ा तो शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी को फर्जी बताया। ऐसी चिट्ठी को कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का तरीका बताया। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है, अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं। सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो, और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं, और एटीएम को सफाई देने कौन जाए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद भी कांग्रेस का हमला नहीं रुक रहा। कमीशन खोरी के आरोपों पर बीजेपी सरकार पर हमला तेज हो रहा है। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या? उधर बीजेपी कमीशन खोरी के आरोपों पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कमीशन राज का आरोप लगा रही है। खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे? उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे। जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा। एमपी में कमीशन वाले आरोपों की शुरुआत जून महीने में हुई थी, तब भोपाल की सड़कों पर कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे, और अब इस वायरल चिट्ठी के जरिए मध्य प्रदेश में नया रण छिड़ा हुआ है। बीजेपी ऐसा आरोपों का असर कर्नाटक चुनाव में देख चुकी है, लिहाजा एमपी में वो बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है।
यही वजह है कि प्रियंका और कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराकर वो आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।